तो गुड मॉर्निंग बॉयज, मैं और मेरे साथ है नेगी और हम दोनों भाई जा रहे हैं आज ट्रिक ट्रैक पे। और सुबह का मौसम देखिए आप, बड़ा प्यारा है। तो ट्रैक आया है हर्षिल में, जो आपको आगे दिखाएंगे। अपने भाई को आज हम फूल के ऊपर। और नेगी का हो रहा है ब्रेकफास्ट भाई, आलू के परांठे और गरम चाय के साथ। और फाइनली हम दोनों भाई पहुंच गए हर्षिल मार्केट में। यहाँ की पेंटिंग्स देखो आप, क्या प्यारी है। तो ओ भाई, ये अब टेंट लगा रहे हैं अभी आराम से, टाइम लैप्स लगा के। चाय हो रही है गरम। उसके बाद तुम्हें बाहर का व्यू दिखाएंगे थोड़ी देर में, एकदम बढ़िया मस्त। ठंडा बहुत है भाई इधर। कल रात भाई ने मस्त टेंट वेंट सेट किया अपना। देखो आपको चाय दिखाते हैं थोड़ा अपनी यार। आज थोड़ा लाइट ऑन करी भाई, वाली बड़ी वाली मोटी वाली। तेरी लाइफ सब घुसी है चाय कलर। वाह भाई, देखो बाहर हो गया उजाला मेरे को लग रहा। और अब उठते हैं, नेगी तो उठ चुका है। और तुम्हें कुछ मस्त मस्त नज़ारे दिखाते हैं बाहर के, अगर अच्छा लग रहा है शायद तो। देखिए बर्फ़ तो पड़ी थी कल रात, शायद पानी भी है कि नहीं है। ये देखिए भाई, बहुत प्यारा अपना भाई नेगी है। मस्त सुबह 5 बजे उठ के अब उठ रहा है बेड से। पर अब कल ज़्यादा बड़ी थी, आज शायद कम हो गई थोड़ा। नीचे तक थी कल, यहाँ पे आपको नीचे वाले लेवल दिख रहा है, यहाँ पे तक थी कल बर्फ। आज थोड़ा कम हो गया, गलगी होगी रात को। पर ठंडा बहुत है भाई इधर भी, बहुत टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है। और ये कल रात हमने यहाँ पे आग जलाई थी अपने लिए मस्त ठंडे के लिए, जानवर से बचने के लिए भी। और इधर पीछे जो दिख रहा है आपको, ये है बागोरी विलेज। रुकते कौन सी जनजाति बोली थी तूने? मरछिया जनजाति। भाई यहाँ दीवारों पे इतनी मस्त मस्त पेंटिंग हुई हैं, वो आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। मस्त होता, देखो बर्फ़ दिख रही होगी आपको उधर से। अभी हम आग जलाएंगे सुबह, थोड़ा पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है इसलिए आग जला के पानी गर्म करेंगे। ये अपना चूल्हा है, लकड़ियाँ हम यहाँ से लेंगे। उसके बाद थोड़ी देर में हम जाएंगे आज क्यारकोटी, वो है यहाँ से 21 किलोमीटर। बाकी फिर आपसे मिलते थोड़ी देर में, है ना। हम कर रहे हैं टेंट क्लोज अपना, और ब्रेकफास्ट में खाएंगे हम क्या, बन 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 और बटर। और अपना नेगी भाई अभी क्लोज करने में लगा हुआ है कम सामान। सुबह आग जलाई थी मस्त हमने, नहा धो के हो गए एकदम फ्रेश। और अब मस्त व्यू बड़ा सेक्सी आ रहा है अभी सुबह सुबह का मॉर्निंग में। ये हर्षिल से 3 किलोमीटर आ गई है जगह, अगर आप लोग आओगे तो उधर कैम्प लगाने के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है, देख सकते हो। और बर्फ़ भी पड़ी हुई है मस्त। अभी हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट, उसके बाद निकलते हैं हम आज ट्रैक पे। बाकी सब बढ़िया, बाकी तो आपको बताते रहेंगे आगे आगे जो जो होता है। डन। तो भाई लोगों निकल गए अभी हम हर्षिल से थोड़ा आगे। तो आज हम जाएंगे क्यारकोटी बुग्याल, 21 किलोमीटर है अभी यहाँ से। पर वो आपको सामने बर्फ़ की चादर दिख रही होगी, थोड़ा जूम करता हूँ। बहुत प्यारा व्यू है भाई, और बहुत बढ़िया भी हो रहे हैं। टाइम तो 10:30 होने वाला शायद, लग जाएगा शाम को 3-4 बजे तक पहुँच जाएंगे अगर रास्ता नहीं भटकते बीच में तो, क्योंकि बर्फ़ पड़ी है ऊपर तो शायद क्या पता रास्ता हो ना। बाकी देखते हैं क्या होता आगे। अपना सामान पूरा पैक एकदम, खाने पीने का सब कुछ बढ़िया है। भाई लोग तो बहुत आए हुए भाई इस टाइम पे इधर। और नेगी को बर्फ़ देखनी थी, हम इधर आ गए फिर बर्फ़ देखने नेगी के लिए। भैया आप लोग आओगे तो होम स्टे भी मिल जाएंगे आपको, और होटल्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो बता दे
लोकेशन कैंपिंग वाली, मस्त कैंपिंग वाली है। बागरी क्या, कौन सा विलेज है? बागरी विलेज से थोड़ा सा आगे, मतलब ज्यादा है वहाँ पे, है नदी भी है, 400 मीटर दूर। बस बहुत प्यारा लोकेशन है भाई, ऐसा डर वर भी नहीं है, कुछ जानवर वानवर का और सारी चीज़ें मिल जाएंगी तुम्हें यहाँ हर झील में, कुछ भी सामान वगैरह पानी सारी चीज़ें हैं। इधर के लोग भी बड़े अच्छे हैं, आपको ऐसे आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे आपके रिश्तेदार होंगे, बहुत ही प्यार से बातें करेंगे। ये देखो श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, और अभी ट्रैक होगा हमारा इस पुल के उधर साइड से स्टार्ट, उधर से जाएंगे। और एक लांबा टॉप करके एक जगह है, अगर आप लोग एक या दो दिन के लिए आते हो तो आप इस वाले ट्रैक को पूरा कर सकते हो। 4 किलोमीटर है यहाँ से, इसका रास्ता ये सामने से जा रहा है, बढ़िया है, ऊपर से पूरा आपको हरसिल का नज़ारा देखने को मिलेगा। हाँ अगर आप एक या दो दिन के लिए आते हो, सुबह आज शाम को आते हो तो सुबह घूम के शाम को निकल सकते हो इधर से वापस। बाकी इधर कम रुके हुए थे, वो लोकेशन है जो सामने वाला, उधर रुके हुए थे। आज नहीं, आज शाम को तक पहुंचना है, भाई ने डरा देने किसी को। फ्लैग किस चीज के होते हैं, क्या बोल रहे थे? ये फ्लैग हाँ धर्म का होता है, तिब्बतियन का। बैटरी की प्रॉब्लम होती है ड्रोन में थोड़ा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये शॉट आपको वीडियो के साथ बीच में डाल दूंगा इसके ड्रोन शॉट। भाई 7 किलोमीटर ट्रैक हो गया है अभी, यहाँ बिल्कुल खड़ी चढ़ाई भी, अभी एकदम सांसें भूल रही है भाई। देखो रास्ता भी एकदम कच्चा है भाई, हैं जंगल तो बहुत घना है यार ये, हैं रास्ता भी कच्चा है एकदम, पता नहीं चल रहा किधर से रास्ता है। बस जो पाइपलाइन आई है इसके साथ साथ ही चल रहे हैं ऊपर की साइड, बाकी देखते हैं। काफ़ी दूर से आ गया अभी, 8 किलोमीटर पूरा कर लिया होगा कंप्लीट लगभग, अभी 2 घंटे होने वाले चलते चलते। हमको सांसें ऐसी भूल रही है जैसे पता नहीं कितना चल चुके होंगे, बिल्कुल एकदम अभी हम थोड़ा भाई चलो थोड़ा बीच में पेड़ आ गए, बट बर्फ़ दिख रही होगी बहुत मस्त है। नीचे इतनी बड़ी खाई भाई, एकदम कच्चा रास्ता है, गलती से भी ऊपर नीचे हुआ तो आदमी सीधे एकदम पहले नीचे जाएगा फिर सीधे ऊपर ही जाएगा, इसलिए आराम से ये ट्रैक करना। अभी चलते हैं आगे, कुछ मंदिर तक पहुँचेंगे उसके बाद ही। भाई बहुत 12 किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा सा बर्फ़ दिख रही है और थोड़ा बहुत ही ऊपर, एकदम थोड़ा ऊपर है एकदम, थोड़ा चढ़ना पड़ेगा 5-6 किलोमीटर, उसके बाद फिर एकदम सिंपल है। और बहुत चलने के बाद थोड़ा पानी मिला पीने के लिए, बोतल तेरे बैग पे, पानी एकदम चिल्ड है भाई, बर्फ़ वगैरह जमा हुआ है इस पर, ऊपर से आ रहा है पानी एकदम, थोड़ा पानी पी लेते हैं ठंडा ठंडा। चल भर तो उसको बल्ले, एक दो भी देखो ये बर्फ़ का डिज़ाइन देखिए आप लोग, बर्फ़ का डिज़ाइन दिखा रहा हूँ, फटा भी तो कैसे सर देखो। चलने के बाद अभी
ठंडा है ना बहुत। अच्छा पानी कितने ऊपर से आ रहा है, इतना ऊपर चलना है अभी भाई। 15 किलोमीटर चलने के बाद अभी हम इतने ऊपर हो गए, पहाड़ नीचे हो गया ऐसा लग रहा है। पहाड़ एकदम ऊपर लेवल पे भाई, पर अब रास्ता भी नहीं है कुछ, ना रास्ता है कुछ, ऐसे पत्थरों के बीचों से जाना पड़ेगा आगे जाके। किसी ने बताया था हमें कि एक मैदान मिलेगा बड़ा सा हरी घास का, पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। अभी थोड़ा सा और चढ़ाई है, उसके बाद देखते हैं। पहले तो लगता था हमारे मेंटल पीस ही ख़राब है, आज पता चल रहा है फिजिकल हेल्थ की भी सब कुछ एक हो रहा है। हाँ भाई क्या है, स्वैग है, बढ़िया है तेरी फिजिकल हेल्थ? बढ़िया है भाई, को थकने लगती है यार कोई भी देख लो इस बंदे को, थोड़ा पसीना आता है, पानी की कमी होती है। ऐसे चलते चलते पानी नहीं पीने से पता चढ़ाई पे अटक जाएगा अंदर ही। अब भाई कोई रास्ता नहीं है, मंदिर का, ये मंदिर का झंडा है क्या लग रहा है? मुझे वैसे लग रहा है। देखते हैं भाई अभी मंदिर पहुँचते, फिर मंदिर पे दर्शन करवाएंगे आप लोगों को बढ़िया से। भाई बहुत सारी लकड़ी इकट्ठा कर रखी लोगों ने ऊपर, मंदिर है हाँ तो ठीक है, शायद हम मंदिर पहुँचने वाले हैं। और मंदिर के बाद ही एकदम सिंपल ट्रैक है, ना ज़्यादा चढ़ाई है ना कुछ है, बट यही है ये जो 10 किलोमीटर है नीचे से ये बहुत ज़्यादा था भाई, इस पे लग गए हमको 3 घंटे है ना नहीं कि 3 घंटे लग गए होंगे यार, 3 घंटे लग गए लगभग। और मंदिर के चक्कर में बर्फ़ पे चलना पड़ रहा है भाई। बाकी तो मज़ा आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, एक्सपीरियंस नया है बट सही है, कुछ नहीं कभी चलना भी चाहिए लाइफ में। इतना इधर पता नहीं किसने लकड़ियाँ इकट्ठा कर रखी मंदिर पे, चढ़ाते हैं ठीक है। हमारे पास भी एक लकड़ी है, हम ये चढ़ा देंगे। और ये देखो आपको ये फ्लैग दिख रहे होंगे, पता नहीं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये दिख रहा है इसका मतलब यहाँ लोग आते जाते रहते हैं इधर थोड़ा। देखो किसने बोला इस मंदिर में पलकने चढ़ाते हैं, ठीक है भाई। ऐसा मंदिर आप लोगों ने पहली बार देखा है जहाँ एक सूखी लकड़ी चढ़ानी पड़ती है। लो भाई लोगों आप लोग थोड़ा मंदिर के दर्शन कीजिए, इस पेड़ की पूजा होती है। और थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ आप लोगों के इधर का, ये देखिए बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ अभी तो फिलहाल, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी थोड़ा मंदिर में भेंट चढ़ाते हैं फिर मिल। भाई ये देखिए ये लकड़ी के बने हुए हैं ना नेगी, किसके हैं असली है ये लकड़ी? नहीं दिख रही छिली हुई लकड़ी, बस सींग है वो, लकड़ी नहीं है वो, सींग है। सींग है क्या? हाथ लगा लो इस पे भाई, ये देखो ये इधर का कुछ नया देखने को मिला। गाइस एक बहुत ही बड़ी गलत बात हो गई जो मैं बताना तो नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करें बताना पड़ रहा है। आगे पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा बर्फ़, और अभी हम इस बर्फ़ से निकल के आ रहे हैं बिल्कुल, तो पाँव बर्फ़ के अंदर इतना घुटने तक अंदर चले जा रहे हैं, तो इसलिए लग नहीं रहा कि आगे ट्रैक हो पाएगा। और बिल्कुल ही ज़्यादा बर्फ़ है, एक देखो वहाँ जहाँ जाना है उधर बर्फ़ है बहुत ज़्यादा। कोई आ रहा है तो अभी मार्च में मत आइए आप इधर, लग कम से कम अप्रैल के बाद जब थोड़ा बर्फ़ बर्फ़ गल जाएगी और थोड़ा हो जाएगा गर्मी। पहले ही 3 लोग बता चुके थे रास्ते में, लेकिन हमने माने नहीं और हम ऊपर तक आ गए। लेकिन बढ़िया है, अभी उस वाटरफॉल यहाँ से दिख नहीं रहा, बट एक वाटरफॉल दिख रहा होगा पेड़ के बीच से, छोटा सा वाटरफॉल है हाँ ये वाला भाई। तो फिर अपन लोग थोड़ा वो करेंगे। और यहाँ पे पता नहीं भाई, किसी भाई ने पी के यहाँ पे बोतल रखी हुई है, तो आप ऐसी जगह आके ऐसे गलत काम मत कीजिए, ये बहुत ही गलत है भाई। बता कौन सा पेड़ है, कौन सा वाला? ये लग रहा है मुझे उसका नीम का। गढ़वाली में क्या बोलते हैं बता, नीम को क्या बोलते हैं? ताड़ू, पैया, पैया चल ठीक है लकड़ियाँ, चलो ठीक है लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं थोड़ा। भाई वहाँ लगे तगड़ा तगड़ा
इतना तगड़ा। रही मग भाई, अभी थोड़ी देर हमने कर लिया रेस्ट मंदिर जाके, और नेगी भाई ने बनाई बड़ी प्यारी चाय पाउडर वाली, क्योंकि दूध तो फट गया था इसलिए पाउडर की चाय बनाई। और अभी चल रही है नेगी भाई कुकिंग, नेगी भाई बना रहे मल्ले मैगी, कुछ है नहीं सामान, तो भाई चक्कू से काम कर रहे हैं सारे साहब, एकदम चक्कू चक्कू हो रहा है सब जगह, है ना नेगी? ऐसे बहुत बढ़िया कुक है यार, मैंने सुना था ये नहीं पूछेगा किससे सुना था कोई खास इंसान। देखो भाई चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, अभी जान आ गया बट पता नहीं, देखते हैं यार जाते हैं नहीं जाते हैं, क्योंकि इस बर्फ़ की वजह से मूड भी ख़राब हो रहा है, क्योंकि घुटने तक बर्फ़ है पूरी है, और अगर आगे ऐसा होता है तो फिर तो आगे जाना मुश्किल है। अभी एक वाटरफॉल आगे वहाँ चेक करते हैं, उसके बाद अपना ट्रैक आज यहीं कम्प्लीट करेंगे, तो उसके बाद एक मस्त लोकेशन देखी हम दोनों ने। गाइस लंच हो गया रेडी नेगी भाई की तरफ से, आज की पार्टी नेगी की तरफ से। चाय बनाई थी भाई ने, लेकिन चाय बना दी कम, और हमारे लिए चाय कम हो जाएगी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी नेगी के लिए, है ना? क्योंकि बिना बिना चाय के तो रह नहीं पाऊंगा ना मैं, वैसे तू भी नहीं रह पाएगा मुझे पता है, बन लेना दोबारा। मैगी का टेस्ट तो बता दे, मैंने बनाई है वैसे, ठीक है। चारों तरफ बर्फ और बीच में नेगी और नेगी की मैगी, वो नहीं बोलते द आर्ट द आर्टिस्ट। बढ़िया है, नई खोज की है भाई ने भी, देखो बंद गर्म करने का नया तरीका, चूल्हे के ऊपर ही बंद डाल दो टोस्ट बनाने का भी। टोस्ट कहाँ बन रहा है इसमें, myself. I'm totally lost.